हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। तो आज हम भारत में स्थित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली द्वीप के बारे में जानेंगे कि वो कहाँ है और इसकी क्या विशेषता है। सो लेट अस स्टार्ट। माजुली द्वीप असम में स्थित है। इसके दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर में सुबनसिरी नदी स्थित है। यह द्वीप राज्य के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी से लगभग 300 से 400 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी नदी के बीच में यह द्वीप स्थित है। माजुली द्वीप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। माजुली द्वीप 352 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी उच्चतम ऊंचाई 277 फीट है। माजुली द्वीप की आबादी लगभग 1,67,000 तक है और यहाँ का मुख्य उद्योग कृषि व मत्स्य पालन है। यहाँ पर नाव भी बनाया जाता है, मिट्टी के बर्तन, डेयरी उद्योग, कपास और रेशम से कपड़े भी बनाए जाते हैं और इनकी बुनाई भी की जाती है। यहाँ के मुख्य उद्योगों में मुखौटा बनाना भी प्रमुख है। माजुली द्वीप में एक समृद्ध और विविध कृषि परंपरा है जिसमें चावल की 100 से भी अधिक प्रकार की किस्में उगाई जाती हैं। माजुली द्वीप पर एक अद्वितीय प्रकार का चावल होता है जिसका नाम कोमल साउल है, जिसे 15 मिनट गर्म पानी में रख देने से खाने उपयोगी हो जाता है। यहाँ पर और भी मुख्य चावल हैं जैसे बोरा साउल, यह एक भूरा चिपचिपे प्रकार का चावल होता है। माजुली द्वीप की आबादी में आदिवासी, गैर आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं। आदिवासी समुदाय में मिसिंग, देओरी और सोनोवाल कछारिया शामिल हैं। यहाँ की संस्कृति की बात करें तो माजुली द्वीप पर रासलीला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पर ज्ञानवीना पर्व भी मनाया जाता है और मेजिंग नृत्य और सूरज चंद्रमा की पूजा भी की जाती है, जो फसल की अत्यधिक पैदावार के लिए कामना करने के लिए होती है। यहाँ के लोग रास महोत्सव के दिन मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। माजुली द्वीप असमिया नव वैष्णव संस्कृति का केंद्र रहा है जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। यहाँ पर आर्द्र भूमि पाई जाती है। माजुली द्वीप जीवों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षी और कई दुर्लभ प्रकार के प्रजाति आते हैं। दुर्लभ प्रजाति जीवों का भी केंद्र रहा है जैसे पिलिकन पक्षी, साइबेरियन क्रेन और बत्तखों के झुंड भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पर्यावरण कार्यकर्ता जिनका नाम जयदेव पेनग्यांग है, इन्होंने इस द्वीप पर 550 हेक्टेयर तक जंगल बसाए जिससे द्वीप पर कटाव से निपटने में मदद मिलती है, जिसे अब मोलावी वन के नाम से जाना जाता है। पहले अधिकांश द्वीप बंजर थी जो पानी के कटाव की वजह से बह जाती थी, लेकिन पेनग्यांग के वनीकरण से ये एक हरे भरे जंगलों के रूप में परिवर्तित हो गया और यहाँ पर विविध प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं जैसे हाथी, बाघ, हिरण और भी कई प्रकार के। यहाँ की कला और संस्कृति से प्रभावित होकर दूर दूर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको माजुली द्वीप के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें। थैंक यू।